पुरवा कहाँ जा रहे हो? नहीं है, नेल पेंट लगवा रहे हो? नेल पेंट लगवा रहे हो? शॉप नहीं मिल रही है, मैं शॉप ढूंढ रही हूँ, शायद ये वाली शॉप है, शायद फाइंड होम, यदि ये लोग अगर लगा दे तो मैं इनसे पूछूंगी, देखती हूँ। ये शॉप में तो मैंने पूछा अभी, पर ये शॉप में मुझे एक घंटा वेट करने का बोल रहे हैं, मेरा बच्चा रोने में लग जाते हैं। तो सोच रही और भी कोई शॉप देखूँ, अगर वो जल्दी कर देंगे तो मैं वहीं करवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं वापस यहीं पे आऊँगी। मिलती हूँ आपको जल्दी, ढूंढते हैं, चलिए आइए ढूंढते हैं जगह जहाँ पर हो सकेगा मेरा नेल पेंट। हमारे घर के पास में वांता प्लाजा है, वहीं पर ये शॉपिंग मॉल है। तो ये देखिए, यहाँ मुझे शॉप मिली, और ये जो हमारा बेटा है, बड़ा बेटा तो मेरा स्कूल गया है, और छोटा वाला बेटा यहाँ खेल रहा है। तो ये है, और ये देखिए कितना मतलब इजी गोइंग है, अच्छा सा नेल आर्ट करते हैं। और ये जो तीनों नेल आर्टिस्ट हैं, ये मेरी काफ़ी हेल्प कर रही हैं कि क्या कलर सही है, किस कलर का मेरा ड्रेस है, और किस कलर का नेल पेंट मुझे लगवाना चाहिए। और उन्होंने मेरी चॉइस को पूरी वैल्यू दी, जैसा मेरा चॉइस था, जैसे मेरे क्लॉथ से, वैसा ही उन्होंने करवा के दिया। और ये देखो, इसको कितने मज़े आ रहे हैं। ये यहाँ चाइना में मैंने जितनी भी शॉप्स देखी हैं, वहाँ सब दूर मैंने देखा है कि बच्चों को बिज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ रहता है। तो ये जो मेरा बेटा है, ये भी अभी रोने लग गया तो इसलिए अच्छा रहता है, बच्चे खेलते हैं। और ये मेरा नेल आर्ट भी चल रहा है, तो मतलब बच्चा भी खेल रहा है, नेल आर्ट भी हो रहा है, और काफ़ी रिलैक्सिंग तरीके से मैंने अपना नेल आर्ट करवाया। और मुझे लगा था शायद 2-3 घंटे लगेंगे, पर 1 घंटे में ऑलमोस्ट हो गया। काफ़ी सारे नेल पेंट्स हैं उनके पास, काफ़ी चॉइस है, काफ़ी कलर्स हैं, तो डेकोरेशन बहुत सारे तरीके से हुआ। और ये देखिए, आपको पर्ल लगवाना है तो पर्ल लगवा लो, या कुछ और लगवाना है, ये फिर आ गया मेरा कुचू कुचू उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है खेलना, कुछ खाना। उसके पापा ने भी उसको काफ़ी संभाला, शॉप में जो थी नेल आर्टिस्ट जो फ्री थी, उन्होंने भी उसको संभाला, और इस तरीके से मेरा नेल पेंट हुआ बच्चे के साथ में। तो ये कर ही रहे हैं, कलर चूज़ कर रहे हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कुछ पॉलिश लगाते हैं, फिर कलर, फिर उसके ऊपर गोल्डन पाउडर है, फिर उस पाउडर को भी डेकोरेट किया, फाइनल टच दे रहे हैं ये शायद। और ये मेरे नेल पर एक पर्ल लगाने वाले थे, पर वो पर्ल जो था वो मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था, तो फिर मैंने स्टार लगवाया, वो भी गोल्डन कलर का ही स्टार था। तो ये कर रहे थे, मतलब सुंदर किया, काफ़ी सेटिस्फाइड थी मैं कि उन्होंने इतना अच्छा मेरे को नेल आर्ट करके दिया, और कलर भी मतलब परफेक्ट मैच किया उन्होंने मेरी ड्रेस के साथ में। अब तो फिनिश होने वाला है, और अब क्या है कि बस ये इसको फाइनल टच दे रहे हैं, और उसके बाद फिनिश हो जाएगा। ये कुछ ग्लिम्स हैं उन्होंने कैसे पर्ल लगाया, पर्ल तो मैंने लगवाया ही नहीं था, स्टार लगाया था।
तो ये कलर शेप आया, शेड आया। मेरे नेल्स भी थोड़े छोटे थे तो उन्होंने कहा जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो थोड़े नेल बड़े लेकर के आना, तो और भी ज़्यादा अच्छा नेल आर्ट होगा। पर वही बातें बच्चों के साथ में तो बड़े नेल्स ज़्यादा रख नहीं सकते हैं, तो देखो जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे अभी तो छोटे ही रहते हैं। ये उन्होंने थोड़ा फ़ोटो भी लिया था। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।